मैं डॉक्टर एन के शुक्ला बिश्नाथ सिंह विधि संस्थान मुंगेर के तत्वाधान में एवं प्राचार्य के आदेशानुसार इस लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ाई खास करके वर्ग का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा, इसलिए ऐसी स्थिति में आप लोगों को ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड की जा सके ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत मैं आपको जनरल इंग्लिश में गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन पैटर्न है वह 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है। और इस 80 मार्क्स में क्वेश्चन का पैटर्न इसके अंतर्गत ऐसे लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, लीगल वर्ड्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस, मैचिंग टेस्ट और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चन के पैटर्न हैं। इन सारे पैटर्न में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर्स ऑफ वर्ड्स और लीगल वर्ड्स। आशा है कि इसे आप सुनेंगे और अच्छे तरीके से इसे आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। पहले पेयर्स ऑफ वर्ड्स में पहला वर्ड जो है आता है वह है लग्जीरियंस, लग्जीरियस, लग्जीरियस, लग्जीरियस एंड लग्जीरियंट दो वर्ड है, या लग्जीरियस एल यू एक्स यू आर आई ओ यू एस, लग्जीरियस, जिसका तात्पर्य है आरामदेह, और दूसरे है लग्जीरियंट जिसका तात्पर्य है विलासी। सवाल यहाँ पे यह है कि क्वेश्चन के पैटर्न में क्वेश्चंस आता कैसे है, क्या यह सिर्फ मीनिंग लिखना है या इसका सेंटेंस भी बनाना है। तो पेयर्स ऑफ वर्ड्स में दोनों बातें हैं, इसमें मीनिंग भी बना मीनिंग भी लिखना होता है और इसका सेंटेंस भी फ्रेम करना होता है। लीगल वर्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको मीनिंग लिखना रहता है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वह है गिव द मीनिंग ऑफ द लीगल वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंस, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आइए जब हम वर्ड्स की बात करेंगे, पेयर्स ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे, तो पहला जो हम लोगों ने देखा था लग्जीरियस, जिसका तात्पर्य होता है आरामदेह, इसको हम इसका सेंटेंस हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ही इज हैबिचुएटेड विद द लग्जीरियस लाइफ। दूसरा वर्ड है लग्जीरियंट, विलासी या सुख भोगी, हम कह सकते हैं राम इज लग्जीरियंट, राम इज लग्जीरियंट, वह विलासी है, वह सुख भोगी है, इतना आपको इस तरीके से लिखना है, मीनिंग भी लिखना है और उसका सेंटेंस फ्रेम भी करना है। दूसरा है अल्टर और अल्टर, अल्टर ए एल टी ए आर, ये अल्टर और ए एल टी ई आर, ये अल्टर, इस दोनों के मीनिंग में अंतर है, इस दोनों का भी मीनिंग लिखना है हमें और
उसे सेंटेंस में भी फ्रेम करना है, पेयर्स ऑफ वर्ड में, यह दोनों काम करना है। जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो ए एल टी ए आर अल्टर का मीनिंग है वेदी या बलि वेदी, यानी कि पूजा स्थल पर चढ़ने वाला प्रसाद। इस पर सेंटेंस आप यह बना सकते हैं, डोंट चेंज द अल्टर। इस बलिवेदी को आप चेंज ना करें। दूसरा ए एल टी आर, इसका मीनिंग होता है बदलना, टू चेंज, टू चेंज। आप इसका सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं, नो वन कैन चेंज माई डिसीजन। इस तरीके से आप सेंटेंस वहां फ्रेम कर सकते हैं। तीसरा जो वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड है वह है कैरियर, सी ए, इसका स्पेलिंग है सी ए आर डबल ई आर, एक कैरियर या, और दूसरा कैरियर है सी ए डबल, सी ए डबल आर आई ई आर, कैरियर। पहला कैरियर जिसमें कि स्पेलिंग है सी ए आर डबल ई आर, कैरियर का मतलब होता है जीवनचर्या या व्यक्तिक विकास। इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं, वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर द बेटर कैरियर, वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर द बेटर कैरियर। और नेक्स्ट कैरियर सी ए डबल आर आई ई आर, इसका मीनिंग होता है समान रखने का स्थान, समान रखने का स्थान। इसका सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं, द साइकिल हैज नो कैरियर, हाँ साइकिल में कोई सामान रखने का स्थान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो लीगल वर्ड है वह है बेल, बेल बी ए एल ई, बेल, बेल मीन्स होता है गठरी, बेल मीन्स क्या होता है गठरी। इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं, द कॉटन बेल इज हैवी। और नेक्स्ट बेल है बी ए आई एल, बेल, या लीगल वर्ड में भी काम आता है बी ए आई एल, बेल, बेल मीन्स क्या होता है जमानत। यह जब लीगल वर्ड में जाएंगे तो इसे हम लोग समझेंगे कि बेल क्या होता है, लेकिन अभी हम लोगों को इतना ही समझना है, बेल मीन्स जमानत होता है। और इसको, इसका सेंटेंस हम इस तरह बना सकते हैं, ही इज ऑन बेल, सिंपल वर्ड, ही इज ऑन बेल, वह जमानत पर है। नेक्स्ट एक बेल और होता है बी ई डबल एल, बी ई डबल एल, बेल मीन्स घंटी। कहता है तो इसका सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं कि द स्कूल बेल्स, द स्कूल्स बेल वार्न द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स हैं। ये बेल का सेंटेंस पेयर्स ऑफ वर्ड्स है। नेक्स्ट जो पेयर्स ऑफ वर्ड है वह है डेट। पहला जो डेट है जिसका स्पेलिंग है डी ई बी टी, डेट, डेट मीन्स होता है ऋण, या लीगल वर्ड में भी काम आता है डी ई बी टी, डेट है, इसका मतलब होता है ऋण। सेंटेंस इस प्रकार होगा, राम केम टू टेक डेट। इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। दूसरा डेट है डी ए टी ई, यह दिनांक के रूप में इसको देखा गया है, ठीक है। आप इस तरह बना सकते हैं इसका सेंटेंस कि राम विल गो टू पटना ऑन डेटेड सो एंड सो, ऑन डेटेड 5/6/20, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस का को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग है शॉर्ट, एस एच ओ टी ई, शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स होता है बंदूक या तोप की गोली, बंदूक या तोप की गोली। इसका सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं आप कि राम वाज डाइड
बाय शॉट गन, राम वॉज डाइड बाय शॉट गन। दूसरा शॉट है SHORT, शॉट। शॉट मीन्स होता है संक्षिप्त। कभी कभी आप क्वेश्चंस में भी देखते होंगे, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स, या राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन फंडामेंटल राइट, ये सेंटेंस आप बना सकते हैं इस तरीके से। फिर पेयर्स ऑफ वर्ड में अगली जो सीरीज है वह है कास्ट। कास्ट और कास्ट, पहला कास्ट है CASTE, कास्ट। कास्ट मीन्स होता है जाति, CASTE, कास्ट मीन्स होता है जाति। इसको आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, ही हैज मेड हिज कास्ट सर्टिफिकेट, ही हैज मेड हिज कास्ट सर्टिफिकेट। और दूसरा कास्ट यानी CAST, कास्ट। कास्ट का मीन्स होता है फेंकना या छोड़ना इस तरीके से, या गिराना। इसको आप जो फ्रेम कर सकते हैं वह है इस तरीके से कि कास्ट ए वोट फॉर पार्टिकुलर पार्टीज, फॉर पार्टिकुलर लीडर्स। तो ये आप इसमें सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, या इस तरीके का और भी जो सेंटेंस जो आपका माइंड उस समय में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होता हो, आप दूसरा भी सेंटेंस कर सकते हैं। या मैं एक एग्जाम्पल, एक इंस्टांस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी दैट इज STATIONARY, स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स होता है वह नॉट इन मोशन, नॉट इन मोशन यानी स्थिर होना, स्थिर रहना। इसको आप सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं, द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी प्लैनेट, द अर्थ इज नॉट ए स्टेशनरी प्लैनेट। दूसरा स्टेशनरी जहां पर कि स्पेलिंग है STATIONARY, स्टेशनरी। इसको कहते हैं लेखन सामग्री, राइटिंग मटेरियल्स। आप इसका सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, देयर इज नॉट ए सिंगल स्टेशनरी शॉप इन माय कॉलोनी। यह हो गया। दूसरा नेक्स्ट जो है वह है एशेंट। एशेंट और एसेंट, इस पर, इसके प्रोनाउंसिएशन पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे माइंड को। एशेंट, एशेंट यानी ASENT, एशेंट। और एसेंट यानी ASCENT, एसेंट। एसेंट और एशेंट हैं, दोनों के वर्ड में, दोनों के मीनिंग में फर्क। पहला एशेंट जहां पर कि ASENT है वह है सहमति देना। इसको आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, ही एसेंटेड ऑन माई प्रपोजल। और नेक्स्ट एसेंट जहां पर कि ASCENT है, ठीक है, वहां पे है चढ़ाई करना या चढ़ाई। आप इस तरीके से कह सकते हैं, इसके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, द एसेंट ऑफ द माउंटेन इज स्ट्रेट। ठीक है, इसी तरीके से पेयर्स ऑफ वर्ड में दूसरा पेयर्स है माइनर और माइनर। पहला माइनर का स्पेलिंग क्या होगा, MINOR, माइनर। माइनर का होता है मीनिंग अवयस्क है, यह लीगल वर्ड में काम आता है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे तो उसमें एक सेंटेंस बड़ा मशहूर, बड़ा मजेदार सेंटेंस है कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो, माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो, माइनर्स एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो। इस तरीके से आप वर्ड को, सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। दूसरा माइनर है जहां पर कि MINER, माइनर। यह माइनर माइन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है खादान।
यानी कि खादान, कोयला खादान या इस तरीके का, जहाँ पर कि धरती से, अर्थ के नीचे से कोयला निकाला जाता है, यह खादान। खादान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं, उसको हम लोग माइनर कहते हैं, हैं? इसका आप वर्ड इस तरीके से बना सकते हैं कि राम इज ए माइनर इन धनबाद कोल फील्ड एरियाज। ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट, अफेक्ट यानी कि ए से स्टार्ट होता है, ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अ होता है, तो इसलिए हम लोग अफेक्ट कहते हैं। तो ए डबल एफ ई सी टी अफेक्ट, इसका मतलब होता है असर या प्रभाव, और ई डबल एफ ई सी टी इसका भी अर्थ होता है असर और प्रभाव, लेकिन दोनों के सेंटेंस फ्रेम में अंतर है, सेंटेंस के फ्रेमिंग में अंतर है। यह क्या अंतर है? जहां पर कोई असर या प्रभाव टच से या फीलिंग से या क्रिएट होता हो, यहां पे हम क्या करेंगे, अफेक्ट, ए डबल एफ ई सी टी का प्रयोग करेंगे। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कहता है कि एक्सट्रीम हॉट वेदर में अफेक्ट में अफेक्ट आवर हेल्थ। एक्सट्रीम हॉट वेदर में अफेक्ट आवर हेल्थ, यानी क्या, इसको मैंने फील किया, इस अफेक्ट को मैंने फील किया, ठीक है। और दूसरा जो है इफेक्ट, यह कंक्लूजन ऑफ वर्क में काम आता है। जब आप कोई काम करते हैं और उसका जो जब निष्कर्ष निकलता है, तो उस निकले हुए निष्कर्ष के प्रभाव में हम इफेक्ट वर्ड का यूज करते हैं, ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हिज टीचिंग हैज नो इफेक्ट एट ऑल, या हिज टीचिंग इफेक्ट, हिज टीचिंग हैव नो इफेक्ट एट लार्ज। इस तरीके से हम इसको हम फ्रेम कर सकते हैं, आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है इसका इलिसिट और इलिसिट, एलिसिट और इलिसिट, एलिसिट दैट मीन्स ई एल आई सी आई टी, एलिसिट यानी क्या, निकालना है, टू ड्रॉ आउट, निकालना। आई एम, सेंटेंस इस तरह से फ्रेम होगा, आई एम ट्राइंग टू एलिसिट द सेक्रेट फैक्ट्स। ये सेंटेंस हुआ। दूसरा जो इलिसिट है, आई डबल एल आई सी टी सी आई टी, इसका अर्थ होता है अवैध या अनलॉफुल, अनलॉफुल है। इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, इलिसिट रिलेशन विथ ए वमन इज पनिशेबल इन लॉ, इन अ आई ऑफ लॉ। इस तरीके से सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्री ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस जिसका स्पेलिंग होता है ओ आर डी आई एन ए एन सी ई, ओ आर डी आई आई, इस पर सेंटेंस को माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा, ओ आर डी आई एन ए एन सी ई, ऑर्डिनेंस, इसका मतलब होता है अध्यादेश। इसको सेंटेंस आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, गवर्नर हैज द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इसका स्पेलिंग होगा ओ आर डी ए एन सी ई, ए एन ओ आर डी एन ए एन सी ई, ओ आर डी एन ए एन सी ई, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है आयुध या तोपखाना। कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी ऑर्डिनेंस इन पाकिस्तान, एक सेंटेंस यह हो गया। नेक्स्ट है अनुकूल, एडॉप्ट एंड एडॉप्ट।
ADAPT, एडाप्ट मीन्स होता है अनुकूल, अनुकूल बनाना या अनुकूल करना। इसका सेंटेंस हो सकता है आई थिंक यू हैव एडाप्टेड अ न्यू सिचुएशन। और दूसरा है एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना। राम एडॉप्टेड ए सन, इस तरह से सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। राम एडॉप्टेड ए सन, इस तरीके से सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है आपका ब्राइडल एंड ब्राइडल। ब्राइडल यानी कि वैवाहिक संबंध, BRIDAL, ब्राइडल कहता है वैवाहिक संबंध, इसका तात्पर्य होता है। इसको सेंटेंस आप कर सकते हैं कि ब्राइडल टाइज कैन ओनली बी ब्रोकन बाय द एक्ट ऑफ डाइवोर्स। इसको हम लोग BRIDAL, ब्राइडल कहते हैं। और दूसरा ब्राइडल क्या होता है, BRIDLE, ब्राइडल मीन्स होता है क्या, लगाम। ठीक है, इट इज द ब्राइडल ऑफ हॉर्स, इस तरह सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। और जो लास्ट है इसमें, सेकेंड लास्ट है, वह है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। बार बार यह क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में यह पूछा जाता है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल जहां पर कि PRINCIPAL, प्रिंसिपल PAL, यहां पे कंसंट्रेट करेंगे आप। PAL जहां पर होगा, जिस प्रिंसिपल में, वह प्राचार्य या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसका तात्पर्य होता है। इसका सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस आप इस तरह बना सकते हैं कि डॉक्टर R.K. मिश्रा इज द प्रिंसिपल ऑफ विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज मुंगेर। दूसरा प्रिंसिपल है जहां पर कि लास्ट में PLE का प्रयोग होता है, यानी PRINCIPLE, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। देर आर मेनी प्रिंसिपल, इस तरीके से आप बना सकते हैं, देर आर मेनी प्रिंसिपल्स विच हैज लेट डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये प्रिंसिपल, इसका सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। और लास्ट है डिजर्ट एंड डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट दैट इज मरुभूमि, DESERT, डिजर्ट मरुभूमि। देर आर डिफरेंट डिजर्ट इन आवर वर्ल्ड, ये सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। और दूसरा जो डिजर्ट है उसका स्पेलिंग है DESERT, डिजर्ट, इसका मतलब होता है मिठाई या खाने के अंत में परोसे जाने वाले, देने वाले मिठाई। आप इसका सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं, लास्ट नाइट वी एट रसगुल्ला एज ए डिजर्ट। है, तो ये आपका लीगल पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं। इस तरीके से पेयर्स ऑफ वर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ये पेयर्स ऑफ वर्ड इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे। होपिंग दैट कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा होगा, या आप अच्छे तरीके से इसको बार बार देखेंगे। ठीक है।